मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर के 4 दिन के दौरे के बाद लखनऊ वापसी पर एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का रविवार को श्रावस्ती और बहराइच का दौरा प्रस्तावित था। उन्हें दोनों जनपदों में विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करनी है। हालांकि दोपहर से ही बहराइच और श्रावस्ती में मौसम खराब हो गया। तेज हवा और बारिश की वजह से पंडाल के सामान बिखर गए। श्रावस्ती में टेंट व साउंड सिस्टम गिरने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दोपहर 2:30 बजे करीब भाजपा जिलाध्यक्ष महेश मिश्र ओम ने मंच से घोषणा कर बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया है, अब जनसभा को वर्चुअल सभा संबोधित करेंगे सीएम। भाई मजा आ रहा है। उधर से निकल इधर आओ, इस साइड में आओ, इस साइड में आओ। अरे सर सब कटी हमने सलाम और भी वीडियो बन रही है। हां ठीक है ठीक है, लोग भी ठीक है, अब लोग ठीक है, लेके पंडाल में भागिए भागिए। मुख्यमंत्री को देखने आए लोगों में निराशा देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को दिन में श्रावस्ती दौरा प्रस्तावित था, बाद में बहराइच पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी बीच मौसम का मिजाज बदल गया और दौरा रद्द करना पड़ा। हमारे सहयोगी अनिल मौर्य के मुताबिक यहां मुख्यमंत्री अपने हाथों से 144 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, जिसके लिए 221 करोड़ रुपए का बजट आवंटित था। बाद में वर्चुअल द्वारा 144 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, लेकिन आए हुए लोग मायूस ही वापस अपने घर लौटे।